ओम गणेशाय नमः। आप सौनु मारा यूट्यूब चैनल जय श्री कृष्ण में स्वागत छे। आज आपणे सांभळशुं भाखरियो सोमवार। जो आपने आ वीडियो पसंद आवे तो लाइक शेर सब्सक्राइब करवानुं भूलशो नहीं। व्रतनी विधि। पवित्र श्रावण मासना प्रथम सोमवारथी आ व्रत करवुं। व्रत करनारे लीला रंगना वस्त्रनो त्याग करवो। व्रतना दिवसे ज लीला कठोळ, लीला शाक के लीला रंगनी कोई पण वस्तु भोजन में न लेवी। प्रातःकाळे सूर्योदय पहला स्नान आदि थी परवारी शिवना मंदिरे जई पांच बीलीपत्र थी शिवनु पूजन करी पार्वती तथा गणेशनी पूजा करवी। भाखरिया सोमवारनी वार्ता कहेवी अथवा सांभळवी, एटलू ज नहीं पछी ज एकटाणू करवू। ए वखते पांच भाखरी बनावी, एकनु नैवेद्य धरावू, बे रमता बाळकोने आपवी अने बेनो प्रसाद आरोगवो। नैवेद्यमां मूकेली भाखरी गायने खवडावी, पछी प्रेमे करीने गायनु पूजन करवू। जळ तुलसीने चढ़ावू। पूर्ण भाव भक्ति थी अने पूर्ण श्रद्धाथी शिवजीनु आ व्रत कर्या पछी कार्तक सुद चौदसना दिवसे व्रतनु उजवणू करवू। यथाशक्तिथी अन्नदान, वस्त्रदान अने पुण्यदान करवू। पूर्ण श्रद्धाथी व्रत करनारना दरेक मनोरथ भोळानाथ पूर्ण करे छे। निर्धन धन पामे छे अने वांझ्या संतान पामे छे। आ व्रतनु महात्म पुराणोमां पण आलेखायुं छे। आ विषे शंकर भक्त शिवदत्तनी वार्ता घणी प्रसिद्ध छे। वार्ता। वर्षो पूर्वे चंपावती नामे एक नगरी में शिवदत्त नामे एक धर्मिष्ठ ब्राह्मण अने तेनी गुणवान पत्नी कृपा साथे रहतो हतो। ते घणो गरीब हतो, भिक्षावृत्ति थी गुजरान चलावतो, परंतु ए भोळानाथनो भक्त हतो। शिवजीनी कृपा थी ए चार वेद अने 18 पुराण में पारंगत हतो, परंतु तेना भाग्य में भिक्षा लखाई हती। मांड घरनू गाडू गबड़तू अने पेटनो खाड़ो पूरतो, छता बन्ने पूर्ण भक्तिमय जीवन जीवता हता। आंगणे आवेला अतिथिने पोताना भागनो रोटलो हेतथी जमाड़ी पोते भूख्या रहता। एक वार कैलाशपतिने आ ब्राह्मण दंपतिनी कसोटी करवानी इच्छा थता साधुनो वेश धारण करी शिवदत्तना आंगणे आव्या अने भिक्षान देही कही उभा रह्या। शिवदत्तने भिक्षामां मात्र एक रोटलो ज मळ्यो हतो, ए रोटलो साधुने आपी दीधो। साधु वेशे आवेला शिवजीए प्रेमथी आपेलो रोटलो आरोगता कह्युं, भूदेव तमारा मुख पर ज्ञाननुं तेज छे, छतां तमे दुखी केम लागो छो। आ सांभळी शिवदत्तनी आँखमां आँसू आवी गया। गड़गड़ा अवाजे बोल्यो, महाराजा मारी पासे ज्ञाननो भंडार छे, भक्तिनुं भाथुं छे, पण अन्नदेव मारा पर रीझाता नथी। मुज अभागा पर भोळानाथनी कृपा थती नथी, तमे कंईक रस्तो देखाड़ो तो तमारो उपकार। त्यारे भोळानाथ कहेवा लाग्या, सुख दुख तो गढ़ माळ छे, सुखमां छके नहीं अने दुखमां डगे नहीं, ए ज साचो मनुष्य। परभवना पाप पुण्य आ भवे भोगवा पड़े छे, बधी कर्मनी माया छे, जप तप व्रतथी कर्मो कपाय छे। हूँ तने भाखरिया सोमवारनी व्रतनी विधि जणावुं छुं, ते प्रमाणे व्रत करजे। गुप्तवासमां पांडवो ज्यारे मूंझाता हता त्यारे धर्मराज युधिष्ठिरे आ व्रत करेलुं। आ व्रतना प्रभावथी तेओ महाभारतना युद्धमां विजयश्रीने वरेला। पछी जता जता कह्युं, आ व्रत करनार स्त्रीनो चूड़ी चांदलो अखंड रहे छे अने तेओ परम सौभाग्यने पामे छे। वांझ्या मेळा टळे छे, निर्धनने स्याय बी मळे छे अने मानव मात्रना सर्व मनोरथ पूर्ण थाय छे। आटलू कही शिवजी चाल्या गया। पवित्र श्रावण मास आव्यो। पति पत्नीए भाखरिया सोमवारनुं व्रत पूर्ण श्रद्धाथी शुरू कर्युं।
કારતક માસના શુક્લ પક્ષની 14 ઉજવણું કરી અન્નદાન કર્યું. આ વ્રતના પ્રભાવથી પૂર્વજન્મના સર્વ પાપોનો ક્ષય થયો. રાતે એ નગરીના રાજાને સ્વપ્નમાં શિવજીએ આદેશ દીધો, હે રાજન, તારી નગરીમાં શિવદત્ત નામે એક મહાજ્ઞાની પંડિત રહે છે, તેને તું રાજપંડિતનું પદ આપ. રાજાએ બીજા દિવસે શિવદત્તને દરબારમાં બોલાવી માનપાન આપ્યું અને પંડિતની પદવી આપી અને રાજ્ય આશ્રય આપ્યો. એ જ રાતમાં ગરીબ શિવદત્ત સમૃદ્ધિવાન બની ગયો અને તેના સર્વ મનોરથ પૂર્ણ થયા. ભોળાનાથની કૃપાથી શિવદત્ત જેવો નિર્ધન ધન પામી સમૃદ્ધિને વર્યો. ભાખરિયા સોમવારનું વ્રત જેમ એને ફળ્યું તેમ વ્રત કરનારને, વાર્તા કહેનારને, સર્વને ફળજો. જય ભોળાનાથ.